नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि केतु के पर्वत के ऊपर मछली का चिन्ह क्या कुछ कहता है, यहां पर बड़ा शुभ फल प्रदान करता है। कहते हैं कि अगर केतु के फिश के ऊपर मछली का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोग देखे तो गूढ़ विद्याओं में, जैसे कि ज्योतिष से जुड़े हुए रहस्यमय विद्याओं के ऊपर ये काफी हद तक, अगर कह लो कि एक पीएचडी लेवल की नॉलेज इनके पास होती है, मतलब गुप्त रहस्य वाले चीजों के ऊपर। और ऐसा भी माना जाता है, आज वक्त इनका कैसा है बदलता है, धार्मिक नेचर के होते हैं, रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, लोगों का मान सम्मान करने वाले होते हैं। ऐसे देखिए इन लोगों के लाइफ में, अगर इनको आपने देखा तो ये अपने लाइफ की एक पिक्चर देखते हैं, होने वाली घटनाओं का इनको आभास होता है, इंट्यूशन भी होता है। लेकिन अगर आप ये देखें इनको, इन गुण विषयों में तो रहस्य होता ही है, नॉलेज होता ही है, ज्ञान होते हैं पीएचडी लेवल का, लेकिन इनको अपने लाइफ में होने वाली घटनाओं का भी आभास होता है। और ऐसे लोगों को अगर आप देखें लाइफ में, जो इनके मुंह से निकला हुआ शब्द है परमात्मा अवश्य पूरा करता है, क्योंकि बड़ा ये शुभ फल प्रदान करता है। इनके मुंह से निकली हुई बातें कहीं ना कहीं एक अचूक बाण की तरह होती है और वो सत्य के मार्ग को ले जाती है और सत्य भी होती है। ऐसे लोगों को देखे कहते ना कि बड़े लोग मुंह से बोल देते हैं बड़े और उनकी बातें सच होती है, तो ऐसे लोग होते हैं जो आज देखे जिसके केतु के माउंट के ऊपर फिश का साइन बना होता है, तो बातें इनकी सत्य प्रतिशत सच भी हो जाती है। और एक दूसरा जो लॉजिक यहाँ पे बनता है, कहते हैं ऐसे लोगों को मैंने देखा है और पाया भी अपने जीवन में कि ऐसे लोग एक बार पानी में अवश्य डूबते हैं लेकिन अपने यार दोस्तों से बचा लिए जाते हैं। जीवन में इनका देखा जाए तो बचपना अगर हम कुछ देखें तो बड़ा संघर्षमय जरूर रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये एज में बड़े होते हैं, उम्र को क्रॉस करते जाते हैं, जीवन में सारी वो सफलताएं अपने लाइफ को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।